जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग एफसीएस सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। आईटी के सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक छोटी सी कंपनी है, छोटी सी तो अब नहीं रही, खैर स्टॉक अब बड़ा हो गया है। देखेंगे मार्केट कैप भी कंपनी का बढ़कर तकरीबन 700 करोड़ के आसपास पहुंचने ही वाला है और शेयर प्राइस में भी देखेंगे तो जबरदस्त तेजी आती हुई आपको यहाँ पे दिख रही है। ये जो स्टॉक है लगातार अपने को ग्रो करते हुए ऊपर की तरफ इसको बढ़ रहा है, तो जो लोग पहले से इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं कर पाए, क्योंकि मैं काफी समय से इस स्टॉक को फॉलो कर रहा हूँ, तो यदि आप अभी तक छूट गए हैं तो आप सही लेवल देख के जरूर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, किसी भी लेवल पर बाई कीजिए। लॉन्ग टर्म आपको इस स्टॉक में बेनिफिट ही वाला है। तो मैं आपको इस वीडियो में लेवल भी निकाल के दूंगा किस लेवल पर आपको बाय करना है। बाकी पहले से आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है, आप पहले से इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, तो आपको आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए मैं आपको इस वीडियो में सजेशन देने वाला हूं। चलिए ओवरऑल इस स्टॉक में समझते हैं कि अभी चल क्या रहा है और आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लोग एक साल के चार्ट पे आते हैं इस कंपनी का। एक साल का चार्ट देखिए, यहां पे आपको स्पष्ट दिखेगा कि स्टॉक कभी भी कंसोलिडेशन रेंज में ही फंसा हुआ है। हालांकि थोड़े समय के लिए कंसोलिडेशन से यहां पे देख सकते हैं दो बार बाहर निकला है, लेकिन दो बार बाहर निकलने के बाद अभी भी देखेंगे तो स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के पास, ये जो 3.5 रुपए के आसपास सपोर्ट लेवल है, यहीं पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और यहीं पे ट्रेड करते करते ये जो 3.5 रुपए से लेकर 4 रुपए के लेवल है, इसके ऊपर ये ब्रेकआउट कर जाएगा, बहुत जल्दी ब्रेकआउट कर जाएगा। देखिए अभी क्या है कि जून क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है, आपने देखा जून क्वार्टर में कंपनी अब पहले लॉस में थी, लॉस से अब इस क्वार्टर में आ गई है प्रॉफिट में। अब जो अगला क्वार्टर रिजल्ट आएगा, यानी कि जो क्वार्टर टू का रिजल्ट आएगा, उसमें कंपनी प्रॉफिट में तो आ गई है, और अगला जो प्रॉफिट आएगा उसमें पक्का ही ये स्टॉक इस ब्रेकआउट दे देगा, यानी कि इस कंसोलिडेशन रेंज से बाहर हो जाएगा। कोई भी स्टॉक बहुत समय तक कंसोलिडेशन रेंज में नहीं रहता, और खासकर ये जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, प्लस जिस तरीके से स्टॉक ग्रो कर रहा है, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी थी, मैं इसको तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से इसका प्राइस कुछ पैसों हुआ करता था, तो वहां से प्राइस निकल के तकरीबन 4 रुपए के आसपास आया है, तो अब जाके ये इस रेंज से बाहर निकलने का इस स्टॉक में उम्मीद दिख रहा है। तो देखिए अभी क्या होगा कि 6 रुपए के आसपास इसका हाई लगा था कुछ समय पहले, तो इस रेंज से जब ये बाहर निकलेगा तकरीबन इसके डबल यहाँ पे जाते हुए आपको स्टॉक दिखेगा, और इसके जब हम डबल की बात करते हैं तो ये लगभग लगभग 12-13 रुपए तक इजिली आपको जाते हुए दिखेगा। यानी कि अगर शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तब भी कम से कम 12-13 रुपए, यानी कि आपका पैसा तो यहाँ डबल हो ही जाएगा। कब? जब आप इस ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे तब। हालांकि एक ही बार में प्राइस यहाँ से निकलने के बाद 12-13 रुपए तक नहीं पहुंचेगा, थोड़ा रुक रुक के जाए, क्योंकि स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर नहीं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ से प्राइस ऊपर निकलना जब शुरू हुआ तो ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे, तो ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, तो आपको समय लगेगा लेकिन पैसा आपका इसमें मल्टीप्लाई होते रहेगा। प्लस जैसे मैंने बताया कि क्वार्टर्स के नंबर में जो आप देखते हैं, तो कंपनी के जो क्वार्टर्स के नंबर हैं यहाँ पे जून क्वार्टर में देखिए, पिछले क्वार्टर से कंपनी का सेल्स थोड़ा सा ही कम हुआ था, सिर्फ थोड़ा सा कम हुआ था, मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब नीचे आप प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट में आपको बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। पहले कंपनी लॉस में थी, लेकिन जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें कंपनी प्रॉफिट में आ गई, और देखिए तकरीबन 1 करोड़ 13 लाख के आसपास कंपनी को लॉस था, उस लॉस को रिकवर करके 1 करोड़ 36 लाख के आसपास प्रॉफिट में आना, यानी कि यहाँ पे ये आप मान के चलिए 2 करोड़ 45 लाख के आसपास कंपनी प्रॉफिट में है, क्योंकि लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में आई है, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, और कंपनी क्या बिजनेस करती है मैं आगे आपको यह भी डिटेल में बता दूंगा। पहले बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी का। बैलेंस शीट में जो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे कंपनी के पास बिल्कुल भी डेब्ट नहीं है। पहले कुछ समय तक कंपनी के पास डेब्ट हुआ करता था, लेकिन अभी कंपनी बिल्कुल ही डेब्ट फ्री हो गई है, इसमें कोई इसके ऊपर कर्जा नहीं है, यानी कि जो कंपनी के पास प्रॉफिट का पैसा आएगा उस प्रॉफिट के पैसे को कंपनी यूटिलाइज करेगी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, और बिजनेस एक्सपेंड करेगी तो उससे क्या होगा, कंपनी के जो शेयर प्राइस है लॉन्ग टर्म में और ऊपर जाएंगे, और जिसके निवेशक हैं उनको बेनिफिट होगा। रिजर्व पैसा भी देखेंगे जो फ्री कैश फ्लो, वो भी लगता है आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है, यानी कि जो कंपनी का फंडामेंटल है, फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो कंपनी का फंडामेंटल तो स्ट्रांग हो ही रहा है। साथ में ये भी समझ में आता है कि फंडामेंटल जब मतलब ग्रो होता है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है, तब जाए कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे जब करेंगे काम की, तो जैसे मैंने बताया कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, अब मेन इसका जो मुख्यालय है नोएडा में है, नोएडा में इसका मेन ऑफिस है, आईटी और इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इनसे रिलेटेड कंपनी आईटी से संबंधित प्रोडक्ट्स बनाती है और इसको डिलीवर करती है। तो कंपनी का मोटा मोटी ये समझिए कि आईटी से जुड़ा हुआ कामकाज है, और आईटी और इंजीनियरिंग के सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है।
एक बार BSE इंडिया के वेबसाइट पे जब आप इस स्टॉक का डिटेल्स लेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि स्टॉक में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। सामान्यतः जब कोई स्टॉक रेड फ्लैग नहीं होता है तो बहुत तेजी से उसका प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कोई रेड फ्लैग नहीं होने की वजह से आपको यहाँ पे लगातार इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रहा है। हालांकि इतनी तेजी आ रही है, कंपनी का कमाई धमाई भी बढ़ रहा है, कंपनी चूंकि प्रॉफिट में आ गई तो कंपनी को कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी करने चाहिए, जो कि उम्मीद है इस साल के लास्ट तक कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए दिखेगा, यानी कि आपको कोई डिविडेंड बोनस वगैरह कुछ मिल सकता है, क्योंकि बहुत समय से इस स्टॉक में कोई नया कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए नहीं दिखा है। लास्ट टाइम जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था 2010 में हुआ था, तो उम्मीद है कि इस बार कुछ ऐसा मतलब ये मार्केट से न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि इस साल के लास्ट तक कुछ ना कुछ कंपनी प्रोडक्शंस करके आपको दे दे, क्योंकि कंपनी का आकार और स्वरूप काफी बड़ा हो गया है। तो ये वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।